नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपा। स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूं जलेबी। बहुत ही करारे करारे जलेबी मैं बनाऊंगी। बच्चे लोगों को तो मीठा बहुत पसंद आता है, तो चलिए लॉकडाउन में हम लोग जलेबी बनाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अब। तो ये देखिए, हमने एक कटोरी मैदा लिया है, बेकिंग सोडा है ये थोड़ा सा, और ये आधा कटोरी हमने सूजी लिया है, और हम 3-4 चम्मच दही यूज करेंगे। ये ताज़ा दही है दोस्तों। तो सबसे पहले एक बाउल में हम ये मैदा हमने डाला है इसमें अभी, इसके बाद बेकिंग सोडा डाला है थोड़ा सा, आधा चम्मच, और फिर हमने सूजी डाला है, और साथ में इसे अच्छा से मिला लेंगे। पहले मिला लेने के बाद इसमें हम 3 चम्मच दही ऐड करेंगे। ताज़ा दही दीजिएगा दोस्तों, और इस तरह से मिला करके इसमें फिर पानी दे देंगे आवश्यकता अनुसार, और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे हम। तो ये देखिए, गाढ़ा घोल होकर तैयार हो गया है, और सूजी हमने डाला है, तो सूजी को फूलना ज़रूरी होता है, तो इसे हम ढक के रख दिए हैं आधा घंटा के लिए। तो ये देखिए, इधर हम तब तक रसा बना लेते हैं। तो हमने 1 कटोरी चीनी लिया था, इसमें 2 कटोरी हम पानी डालेंगे। जलेबी का रसा थोड़ा पतला होता है, तो ये देखिए हमने इसे गैस पर चढ़ा दिया है, और इसे तेज आँच में खौलाएँगे दोस्तों। ये देखिए, इसे थोड़ा चलाने से जल्दी गल जाता है चीनी, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। शाम के नाश्ते में बच्चे लोग को खिलाइए जलेबी बना करके। तो ये देखिए, हमने भी थोड़ा सा केसर ऐड किया है, 7-8 लच्छे डाले केसर के। केसर डालने से दोस्तों कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हमने जलेबी में कोई कलर डाला नहीं है, तो इसीलिए हमने केसर डाला ताकि जलेबी का कलर थोड़ा सा लाल हो जाए। तो ये देखिए, तेज़ आँच में इसे खौलाएँगे 2 मिनट के लिए, फिर इसे ढक करके रख देंगे ताकि हमारा रसा हल्का सुसुम ही रहे। ऐसा देखिए, आधा एक घंटा हो गया है, और ये देखिए बेटा थोड़ा सा गाढ़ा और हो गया है, तो बस इसे पतला नहीं करना है, बस ऐसे ही रखना है इसे। अब इसे हम एक डब्बे में डाल देंगे। आपके पास डब्बा अगर नहीं है इस तरह का, तो आप दूध का पॉलीथीन जो होता है उसे काट करके कोन बना करके यूज कर सकते हैं, ऐसा ही बनेगा वो भी। तो ये देखिए, मेरे पास ये डब्बा था, तो हम इसे यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम ये भर लेंगे पूरा। तो ये देखिए, हमने भरा है इसे, ये आधा डब्बा हुआ है, इसे हमारा 12-15 आराम से जलेबी बन जाएगा। तो इसे हम बंद कर लेते हैं पूरा टाइट करके। अब हम गैस तेज करेंगे, और इसमें हमने पैन में रिफाइंड तेल डाला है। ये देखिए, पूरा गर्म हो गया है ये, और इसे हम इस तरह से एक करके सारा बना लेंगे। ये देखिए, जलेबी हमारा इस तरह से करारा बन रहा है। जलेबी थोड़ा सा खरा अच्छा लगता है दोस्तों, खरा ही बनाइएगा। तो इसे इस तरह से प्लेट देंगे, पलटने के बाद इसे हम एक करके रसा में डाल देंगे ताकि ये अच्छा से रस पी ले। ये देखिए, हमने रसा में डाल दिया, और रस में डालने के बाद तुरंत ही निकाल दीजिएगा 2 मिनट बाद, तो आपका जलेबी बहुत ही खासा कुरकुरा बनेगा। दही देने से दोस्तों जलेबी थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, तो ज़रूर बनाइएगा आप जलेबी। तो दोस्तों, आज मैं टिप्स में बताने वाली हूँ, ब्यूटी टिप्स है ये। तो ये देखिए, गुड वाइफ का है ये, रोज वीप का है ये, बहुत अच्छा है ये सीरम है, ये फेस सीरम है ये। इसका प्राइस है 215 रुपीज़। ये अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत दिनों तक चल जाएगा। तो चलिए इसे हम खोल के दिखाते हैं। इसे लगाने से दोस्तों फेस में ज़्यादा ग्लो करता है, ये ग्लो सीरम है ये। तो ये देखिए, मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। बस इसे 4 ड्रॉप लेना है, 1 माथा पे, 2 गाल पे, और 1 ओंठ के पास में लीजिएगा, और इसे हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा 2 मिनट तक। तो देखिएगा, आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। शुरू में ये तेल तेल लगेगा, उसके बाद ये सूख जाने के बाद ड्राई हो जाता है। और ये देखिए, उसी का ही क्रीम है ये, गुड वाइफ का है ये, और इसका ज़्यादा प्राइस दाम नहीं है, 321 रुपये दाम है इसका। तो ये भी बहुत दिन तक चल जाएगा दोस्तों, अगर दोनों लगाइएगा तो, एक ही कंपनी का दोनों लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसे मैं खोल के दिखाती हूँ अब। तो ये देखिए, बहुत यूज कर चुके हैं ये, और ये आपका बहुत दिनों तक चल जाएगा। अगर आप दोनों मिला के देखिएगा तो आपका 550 रुपये से ज़्यादा ऊपर नहीं भागेगा पैसा। बहुत अच्छा क्रीम है ये, और इसे लगाइएगा
तो फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा, आपको फाउंडेशन लगाने का दरकार भी नहीं पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सीरम रात में भी लगा के सोइएगा तो उससे भी आपको फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा ग्लो करता है फेस ये, तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इसे, इसे लगाने से चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करता है दोस्तों। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको ये मेरा टिप्स कैसा लग रहा है, ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बाय।